अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। हाँ जी, आज फिर मैं आपके लिए एक वोट आउट का लेके आई हूँ। ये भी दांतों के लिए है, तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या करना आपने। हाँ जी व्यूअर्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, आपको बहुत बड़ा थैंक्स होगा। आप ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है, ज़रूर बताया करें। तो आज ये फिर मैं आपको एक टोटका बताने लगी हूँ दांतों के लिए। ये भी बहुत अच्छा है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इसके लिए आपको क्या चाहिए मैं बताती हूँ आपको, मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, नमक लिया है, ये देखें थोड़ा सा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हम पेस्ट लेंगे, कोलगेट की पेस्ट लेंगे हम, ये वाली, ठीक है। और इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, सरसों का, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने नमक लिया था, आज मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। ये हम इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे, दो तीन, समझो के, ये देखिए दो तीन ड्रॉप्स बना लें, ठीक है। इसमें ये नमक बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी हम इसमें लेंगे पेस्ट, इतनी सी, ठीक है। ये एक दिन, मसलन के एक दिन बुश के लिए है, जैसे कि आप सुबह उठ के बुश करते हैं, उसके लिए इतना काफ़ी है। आप इसको मिक्स करें, आपके दांत में जो कीड़ा वगैरह लगा हुआ है, काले दांत हुए हुए हैं या जल रहे हैं या आपके दांतों में दर्द है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इससे करने से। पेस्ट मिक्स करके ये बुश पे लगा के आप करें, तो ये इससे सब कुछ आपके दांतों में जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये बन गया है, हाँ जी, ये देखें ये बन गया है, ये पेस्ट सा बन गया। आप इसको ऐसे लेके पेस्ट पे लगा के, वो क्या कर सॉरी बुश पे लगा के, तो आप दांत वॉश करें इससे, आपके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और प्लाट पीस की ख़त्म हो जाएगी। और जो अंदर से आपके अगर कोई मसूड़ों में दर्द है जो भी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी इससे। तो हाँ जी, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आज की, ये जो मैं बना रही हूँ, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं वेट करूँगी आपका, आप कमेंट्स में मुझे बताया करें। आप कोई भी मुझे कमेंट्स नहीं देते हैं व्यूअर्स, ज़रूर दिया करें। आपका कमेंट्स देने से मुझे बहुत हौसला अफजाई होगी। और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, ये वीडियो भी देखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।